स्वागत बंधन। आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी जो व्याकरण है आज उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे वाक्य के प्रकार। चलिए आइए पढ़ते हैं वाक्य के प्रकार। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर है वाक्य एवं वाक्य के प्रकार। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि वाक्य क्या होता है। मानव के विचारों को प्रकट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक, वाक्य सार्थक शब्दों का व्यवस्थित रूप होता है। शब्द भाषा की प्रारंभिक अवस्था है। जो शब्द होते हैं वो भाषा की प्रारंभिक अवस्था है और वाक्य उसका क्या है, विकास है। जैसे सभ्यता का विकास हो गया वैसे वैसे ही वाक्यों के विकास की वृद्धि होती चलेगी। अब यहाँ पर देखिए आता है वाक्य के प्रकार। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः तीन दृष्टियों से होता है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर और वाच्य के आधार पर। ठीक, अब आता है सबसे पहले रचना के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण। तो रचना के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित तीन प्रकार होते हैं, कौन कौन से आता है, परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। तो सरल या साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त। ठीक, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सरल या साधारण वाक्य। एक ही भाव को प्रकट करने वाले वाक्य क्या कहलाते हैं, सरल, जिसमें एक भाव को प्रकट करता है। ठीक, इनमें एक क्रिया होती है। जो साधारण वाक्य या सरल वाक्य होते हैं उनमें एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है, जिसमें एक क्रिया एक कर्ता, वो सरल साधारण वाक्य। जैसे श्याम जा रहा, श्याम क्या करता, श्याम, और वो क्या कर रहा, जा रहा, तो श्याम जा रहा। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब दूसरा आता है मिश्रित वाक्य। ठीक, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन अन्य आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे वह कौन सा मनुष्य है जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो, इसमें वह कौन सा मनुष्य है मुख्य उपवाक्य। वह कौन सा मनुष्य है मुख्य उपवाक्य, और जो शेष सहायक वाक्य, ठीक है ना, और जो मतलब यह है वह कौन सा मनुष्य मुख्य उपवाक्य है और शेष सहायक वाक्य। दूसरा है इसी के अंतर्गत और एक समझिए कि मिश्रित वाक्य में आश्रित वाक्यों के निम्नलिखित तीन प्रकार संभव है। पहला संज्ञा उपवाक, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। सबसे पहला आता संज्ञा उपवाक्य। प्रधान वाक्य क्रिया के कर्म अथवा पूरक के रूप में प्रयोग होने वाला आश्रित वाक्य संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। जैसे सभी व्यक्ति जानते हैं कि जिनेंद्र गांधीवाद से प्रभावित थे। दूसरा विशेषण उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य की संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता। बताने वाले आश्रित उपवाक्य को विशेषण वाक्य कहा जाता है। जैसे जहां से मैंने शिक्षा प्राप्त की, यह वह कॉलेज है जहां से मैंने क्या प्राप्त की, शिक्षा प्राप्त की। चलिए आगे पढ़ते हैं। आप यहां देखिए ग, क्रिया विशेषण उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य की क्रिया का विश्लेषण बनने वाले आश्रित उपवाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य कहे जाते हैं। जैसे मैं वहां पहुंचा जहां बरगद का वृक्ष सुशोभित है। अब आता संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्रित वाक्यों का मेल संयोजन अवयवों शब्दों द्वारा होता है, संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मैं खाना खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा और दर्द इतना तेज हो गया कि डॉक्टर को बुलाना पड़ा। इसमें संयोजक शब्द और है जिसने दो मिश्रित वाक्य को मिलाकर एक संयुक्त वाक्य बनाया। फिर आता अर्थ के आधार पर वर्गीकरण। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित आठ प्रकार होते हैं, कौन कौन से, विधिवाचक, निषेधवाचक और प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। अब आता सबसे पहला विधिवाचक। साधारणतः जिस वाक्य में किसी बात का उल्लेख किया जाता है उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे श्याम नित्य प्रति घूमने जाता है। निषेधवाचक वाक्य में जिन वाक्यों में
ना या जिन वाक्यों में ना या निषेध का भाव, जैसे वे निषेध वाचक है, जैसे नहीं शब्द का अर्थ है ना, निषेध माने नहीं, राम आज पढ़ने यहाँ या नहीं आएगा, निषेध वाचक। प्रश्न, जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाता है प्रश्नवाचक, ध्यान से समझिए आप लोग, जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाता वे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। कैसे प्रश्न माने, जैसे क्या आप मेला देखने जाएंगे, तो ये जो क्या है ये क्या है, प्रश्न है, यानी प्रश्न किया जा रहा है, तो क्या आप मेला देखने जाएंगे, ये कौन सा वाचक हुआ, प्रश्नवाचक। अब आता है आज्ञावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में आज्ञा देने का भाव पाया जाता है, आज्ञा देने का भाव, ठीक है, वे आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं, जैसे तुम विद्यालय जाओ, ये आज्ञा है ना, आज्ञा आ रही है इसी, इस प्रकार ये हुआ आज्ञावाचक। आप यहां देखिए, आप यहां पर दिया है इच्छावाचक, ठीक, इच्छा आशीष या निवेदन प्रकट करने वाले वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे ईश्वर करे तुम्हारी नौकरी लग जाए, ठीक। अब इसके बाद आता है विस्मय वाचक वाक्य, जिन वाक्यों से विस्मय वाक्यों से हर्ष शोक दर्द भय क्रोध घृणा आदि प्रकट हो वे विस्मय वाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे आ इतना भयानक दृश्य है, विस्मय होता है। संदेह वाचक, संदेह में संदेह या संभावना प्रकट करने वाले वाक्य जो है वह संदेह वाचक वाक्य कहलाते, जैसे संभवतः वह लौट नहीं पाएगा, एक संभावना जताई जाती है कि भाई वो संदेह है कि लौट भी सकता है और नहीं भी, संदेह तो वह लौट नहीं पाएगा। अब संकेत, यानी जिन वाक्यों से एक क्रिया से दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध संकेत वाचक वाक्य कहलाते, जैसे पानी ना बरसता तो धान सूख जाती, या धान सूख जाती है ना, पानी नहीं बरे, संकेत है पानी की उसमें कि पानी यदि नहीं बरसता तो धान सूख जाता। अब तीसरा यहाँ पर अपन जो पढ़ेंगे वह है वाच्य के आधार पर वर्गीकरण। तो वाच्य के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित तीन प्रकार, पहला कर्मवाच और भाववाच। सबसे पहला है कर्तवाच, कृतवाच वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है, क्रिया का कर्ता से सीधा संबंध होता है, उसका लिंग निर्धारण भी कर्ता के अनुसार निर्धारित होता है। जैसे मनीष घर जा रहा है, क्रिया भी होगी तो कर्ता का क्रिया से सीधा संबंध, कर्ता मनीष है और वह उससे कहा जा रहा है घर। कर्मवाच वाक्यों में क्रिया का कर्म से सीधा संबंध होता है, कर्मवाच वाक्यों में क्रिया का कर्म से सीधा संबंध होता है, क्रिया का रूप कर्म के अनुरूप परिवर्तित होता है, इसकी मुख्य क्रिया सकर्मक होती है। जैसे किसानों द्वारा खेत जोता गया, किसके द्वारा, किसानों के द्वारा खेत जोता गया। अब यहाँ है भाववाच, भाववाच में आप देखें यहाँ पर दिया है कि भाववाच वाक्यों में कर्ता कर्म की प्रधानता ना होकर क्रिया की प्रधानता होती है, वाक्य का भाव भी क्रिया पर आश्रित होता है, इसमें क्रिया का पुरुष वचन लिंग सदैव पुरुष एक वचन और पुल्लिंग में ही रहते, जैसे सुशीला से दौड़ा नहीं जाता। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे वाक्य परिवर्तन, किसी वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्यों में अर्थ का परिवर्तन किए बिना परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाक्य रूपांतरण या वाक्य परिवर्तन कहते हैं। किसी भी वाक्य को दूसरे वाक्यों में बदला जा सकता है किंतु उसके मूल भाव या अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वाक्य रूपांतरण के कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए, जैसे अब आप देखिए ये परीक्षाओं में आते हैं, जैसे साधारण या सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य, तो ये हो गया साधारण वाक्य, ये हो गया मिश्रित। सबसे पहले साधारण, अच्छे विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं, आप जो विद्यार्थी अच्छे होते हैं वो परिश्रमी होते हैं। लोकप्रिय लेखक का सम्मान सभी करते, तो जो लेखक
लोकप्रिय होता है। इस प्रकार मेरे मित्र रात्रि को सिनेमा देखने गए, जब रात हो गई तब मेरे मित्र सिनेमा देखने गए। प्रसिद्ध गायक का सभी आदर करते हैं, मिश्रित क्या होगा, जो प्रसिद्ध गायक है उनका सभी सम्मान करते हैं। उसने अपने मित्र का मकान खरीदा, उसने वह मकान खरीदा जो उसके मित्र का है। इसके बाद सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में, ये सरल वाक्य है और ये संयुक्त वाक्य। सूर्योदय होने पर अंधकार जाता है, सूर्योदय हुआ और अंधकार जाता है। दरिद्र होने पर भी वह ईमानदार है, वह दरिद्र है किंतु ईमानदार। बीमारी के कारण विद्यालय नहीं जा सका, तो मैं बीमार हो गया था इसलिए विद्यालय नहीं जा सका। ठीक है, अब ये जो मैं आपको समझा रही हूँ ये है सरल वाक्य, और जो मैं इसमें बता रही हूँ तो सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य। ठीक है, अब यहाँ पर परिश्रम करने पर भी वह परीक्षा में सफल नहीं हो सका, तो यहाँ क्या है, उसने परिश्रम किया किंतु फिर भी वह परीक्षा में सफल ना हो सका। मैं स्टेशन से टिकट खरीद कर घर आ गया, मैं स्टेशन से टिकट खरीदा और घर लौटा। आप दिल्ली जाएंगे, आप यहाँ आएंगे और कहाँ जाएंगे, दिल्ली जाएंगे। अब मिश्रित वाक्य से सरल वाक्य में, ठीक है, अब यहाँ पर जो हम बदलेंगे, और ये मिश्रित वाक्य है और ये सरल वाक्य है। पहला, प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि अमिताभ बच्चन कौन है, प्रत्येक व्यक्ति अमिताभ बच्चन को जानता है। मुझे सौरभ का मित्र मिला जो बुद्धिमान, मुझे सौरभ का बुद्धिमान मित्र मिला। जब वर्षा होती तब हम बाहर नहीं आ जाते, वर्षा होने पर हम बाहर नहीं जाते। जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे। उसने कहा मैं उत्तीर्ण हो गया, उसने अपने मित्र को उत्तीर्ण बताया। मेरे पास जो पेन है वह मोहन का है, मेरे पास मोहन का पेन। अब मिश्रित वाक्य से संयुक्त वाक्य में, ये मिश्रित वाक्य और ये संयुक्त वाक्य। जब प्रधानमंत्री का भाषण समाप्त हो गया तब हम घर आ गए, प्रधानमंत्री का भाषण समाप्त हो गया और हम घर आ गए। जो ही मैं उत्तीर्ण हुआ त्यों ही मुझे नौकरी मिल गई, मैं उत्तीर्ण हुआ तथा मुझे तुरंत ही क्या मिली, नौकरी मिल गई। अब यहाँ देखिए संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य में, ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा, ये संयुक्त वाक्य और ये मिश्रित वाक्य। वह अच्छा खेला परंतु हार गया, यद्यपि वह अच्छा खेला फिर भी हार गया। मेरे स्टेशन पहुंचने पर रेल छूट चुकी थी, जब तक मैं स्टेशन पहुंचा तब तक रेल जा चुकी थी। अब यहाँ कृतवाच से कर्मवाच, ठीक है, तो कृतवाच और कर्मवाच। राम ने रावण को मारा, राम के द्वारा रावण मारा गया। छात्र पुस्तक पढ़ता है, छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। संगीता गीत गाती है, संगीता द्वारा गीत गाया जाता। अब विधिवाचक वाक्य से निषेध, यानी नहीं है, ये विधिवाचक और ये निषेध, यानी राम मोहन से बड़ा, मोहन राम से बड़ा नहीं है। कक्षा में संगीता सबसे सुंदर है, कक्षा में संगीता से अधिक सुंदर कोई नहीं है। राष्ट्रीय एकता के लिए प्रत्येक भारतीय अपनी जान दे देगा, राष्ट्रीय एकता के लिए कौन भारतीय जान नहीं देगा। आदमी का हवा में उड़ना कठिन, आदमी का हवा में उड़ना सरल नहीं है। मेरा पुत्र बुद्धिमान है, मेरा पुत्र मूर्ख नहीं है। अब विधिवाचक वाक्य से प्रश्नवाचक, वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, क्या वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। आलसी व्यक्ति उन्नति नहीं कर सकता, क्या आलसी व्यक्ति उन्नति कर सकता। प्रत्येक व्यक्ति धनवान होना चाहता, कौन ऐसा व्यक्ति जो धनवान होना नहीं चाहता। अब यहाँ देखिए विधिवाचक वाक्य से आज्ञावाचक वाक्य, ये विधिवाचक बात अभी आ गया। कैसा, सत्य की सदा विजय होती, सत्य की सदा विजय होनी चाहिए। गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, गुरुजनों का सम्मान करो। अब निम्नलिखित वाक्यों को कोष्टक के निर्देश अनुसार रूपांतरित कीजिए। कुछ वाक्य जैसे वह मेरा मित्र है, तो बिना भाव बदले निषेधात्मक कैसा आएगा इसमें, यहाँ का कि वह मेरा शत्रु नहीं है, राम घर पर है, ये संदेह बदलना है तो शायद राम घर। आलसी व्यक्ति उन्नति नहीं कर सकता, मिश्रित बनाना, जो व्यक्ति आलसी होता वह उन्नति नहीं कर सकता। भाग्यवादी होने से काम नहीं चलता, प्रश्नवाचक बदलना, तो क्या भाग्यवादी होने से काम नहीं चलता, उसने ताजमहल देखा, ये प्रश्नवाचक है, क्या उसने ताजमहल देखा है। मैं यहाँ के प्रचार को नहीं जानता हूँ, तो मिश्रित, मैं नहीं जानता कि यहाँ के प्रचार कौन है।
देशभक्त देश की रक्षा करते आदेशात्मक, देशभक्त देश की रक्षा करते हैं, तो यहाँ पर आपको आदेशात्मक, तो आदेशात्मक में आदेश जैसे देशभक्तो देश की रक्षा करो, तो ये कौन सा बात है आदेशात्मक। चलिए आगे पढ़ते हैं। मैंने वह मकान खरीदा जो मोहन का था, साधारण बात बनाना, मैंने मोहन का मकान खरीदा। आप यहाँ देखिए राम मूर्ख नहीं है, बिना भाव बदले विधिवाचक, राम चतुर। मेरा विचार है कि आज घूमने चली, साधारण बात, मेरा आज घूमने जाने का विचार। मैं गीता के रचयिता को नहीं जानता, मिश्रित बना, मैं नहीं जानता कि गीता के रचयिता कौन है। कितना अद्भुत दृश्य विस्मय, तो इसमें आह वाह वाले जाते ना, वाह कितना अद्भुत दृश्य। राम बुद्धिमान, बिना भाव बदले नकारात्मक, राम मूर्ख नहीं है, भाव नहीं बदलना चाहिए लेकिन रहे वो नकारात्मक। तुम कल जाओगे, प्रश्नवाचक, क्या तुम कल जाओगे। जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, सरल बात, पश्चिमी छात्रों को सफलता अवश्य मिलती है। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, ये प्रश्नवाचक है, तो क्या मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। इस प्रकार मैंने आप लोगों को यहाँ पर वाक्य, वाक्य के प्रकार और साधारण वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और जितने भी वाक्यों के प्रकार थे मैंने आपको समझाए, और ये परीक्षाओं में पूछे जाते, इसलिए आपको नोट करिएगा और आप लोग रजिस्टर में लिख करके याद करिए।